तो हे गाइस वेलकम, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं डोरेमोन करेक्टर के फ्यूचर के बारे में, आगे चलकर वो क्या बनने वाले हैं, उनका फ्यूचर ड्रीम क्या होगा और सभी करेक्टर्स फ्यूचर में आगे चलकर क्या बनते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप डोरेमोन के फैन है तो प्लीज अपने प्यारे हाथों से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस सबसे पहले जो नाम आता है वो है हम सबका प्यारा मोटा भाई जियान का। तो गाइस जैसे कि आप लोग जानते हैं जियान बचपन से ही सुपरस्टार सिंगर बनना चाहता था और साथ ही वो मॉडलिंग करना भी पसंद करता था, पर असल में आगे चलकर जियान सुपरमार्केट को ऑन करता है। जैसे कि आप लोग देख ही रहे होंगे जियान अपने मॉम के साथ अपने शॉप पर काम करता था, फ्यूचर में जियान अपने इसी शॉप को डेवलप करके इसे सुपरमार्केट में बदल देता है। खैर वैसे जियान एक सिंगर नहीं बना, नहीं तो वरना क्या होता आपको पता ही है। तो अब बात करते हैं हमारे सेकेंड करेक्टर के बारे में। तो वो करेक्टर एक अमीर बाप का बेटा सुनियो है। डोरेमोन करेक्टर में सबसे ज्यादा अमीर सबसे ज्यादा पैसे वाला सुनियो ही है। सुनियो के पेरेंट्स एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। सुनियो बचपन से ही एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है। सुनियो का सपना होता है कि वो एक दिन बहुत ही बड़ा फैशन डिजाइनर बने, लेकिन वो नहीं बन पाता है। गाइस आपने तो सुना ही होगा पैसा है तो सब कुछ है। सुनियो फ्यूचर में बहुत ही बड़ा अमीर बनने वाला है क्योंकि फ्यूचर में वो अपने डैड का बिजनेस को संभालता है और अभी से ज्यादा अमीर बन जाता है। अपने शहर के मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनी के मालिक बनता है। वैसे गाइस सुनियो का फ्यूचर तो सच में ब्राइट है। अब तीसरे नंबर पर आता है डेकी सुकी। बचपन से ही पढ़ने में सबसे तेज और टॉपर स्टूडेंट होता है, जिसका सपना फ्यूचर में एक एस्ट्रोनॉट बनने का होता है और फ्यूचर में जाकर एक एस्ट्रोनॉट ही बनता है, मानना पड़ेगा गाइस डेकी सुकी को। तो अब बात करते हैं सेकंड नंबर पर जो करेक्टर आता है उसका नाम है ड्रीम गर्ल सुजुका। लेकिन आपको सुजुका के बारे में ये सुनकर थोड़ा सा बुरा लगेगा कि इनका कोई भी ड्रीम ही नहीं था, लेकिन सुजुका को वायलिन बजाना बहुत ही अच्छा लगता था। एंड गाइस सुजुका आगे चलकर हाउसवाइफ बनती है नोबिता का। एंड गाइस अब बात करते हैं उस करेक्टर की जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, हम सभी का फेवरेट नोबिता का। तो गाइस सुजुका की तरह इनका भी कोई फ्यूचर में कुछ बनने का ड्रीम नहीं था। नोबिता आगे जाकर एक बिजनेस करता है जिसमें इनका बिजनेस नहीं चलता है और वो फ्लॉप हो जाता है, लेकिन जापानी थ्योरी के अनुसार नोबिता फ्यूचर में एक महान साइंटिस्ट बनता है। दरअसल नोबिता असल में डोरेमोन को ठीक करने के लिए साइंटिस्ट बनता है, जिससे ये पता चलता है कि नोबिता अपने सच्चे दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन गाइस एक दुखद बात ये भी है कि अब इंडिया में पिछले कुछ महीनों से डोरेमोन का डाउनफॉल होते जा रहा है, जिसके कारण डोरेमोन की पॉपुलैरिटी कम होते जा रही है। लेकिन क्यों डोरेमोन का अब डाउनफॉल होते जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आपको इसके बारे में फुल डिटेल में रीजन जानना है तो इसके लिए आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट sugamsamachar.com पर जाकर पूरे डिटेल में जाकर जानना होगा कि आखिर डोरेमोन का डाउनफॉल क्यों हो रहा है। तो जाइए और पढ़िए हमारे sugamsamachar.com वेबसाइट पर और जानिए कि आखिर डाउनफॉल क्यों होते जा रहा है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट वीडियो में। एंड तब तक के लिए बाय बाय।